please subscribe to my channel and hit the bell icon also so that you won't miss my future videos. Hello everyone, this is Shweta. Welcome back to my channel. So, ये वीडियो है अजंता केव्स ब्लॉग विच इज़ पार्ट टू ऑफ माई एलोरा केव्स ब्लॉग. आई नो बहुत ज़्यादा लेट पोस्ट कर रही हूँ मैं इस वीडियो को, बट अभी फेस्टिवल सीजन था सो बिजी विथ फेस्टिव सीजन वीडियोज़. बट अब आ गया है इसका दिन एंड मैं इसको पोस्ट कर रही हूँ. अगेन ये मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही यूनिक डेस्टिनेशन है. इसमें हिस्टोरिक मोन्यूमेंट्स के साथ साथ काफ़ी अमेजिंग नेचुरल ब्यूटी भी है जो आप वीडियो में देखेंगे. एंड फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा अभी तक एलोरा व्लॉग नहीं चेकआउट किया है तो मैं उसका लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या स्क्रीन में दे दूंगी, और आप मेरे चैनल में जाके भी उसको चेकआउट कर सकते हैं. सो एलोरा से हम 9 बजे चले थे. यूजली 2 आवर्स का ड्राइव है बट हमें ऑलमोस्ट 3 आवर्स लग गए क्योंकि वहाँ पर नया हाईवे बन रहा था. सो कंस्ट्रक्शन की वजह से रोड काफ़ी ख़राब है और साथ में रेनी सीज़न था तो रोड की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत थी. और मुझे लगता है एटलीस्ट 1 साल और लगेगा रोड बनने में, अच्छा हाईवे बनने में. सो गाइस, प्लान अकॉर्डिंगली. अब हम पहुंच गए हैं अजंता एंड पर्सनल व्हीकल हम अजंता केव्स में नहीं ले जा सकते हैं. एंड यहाँ से शटल सर्विस प्रोवाइड होती है. सो पर पर्सन आई थिंक 20 रुपीज़ है एंड लाइन काफ़ी लंबी लगी होती है यहाँ पे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा वीडियो में. एंड अजंता केव्स तक पहुँचने के लिए 10 से 15 मिनट्स लगते हैं. सो अब हम पहुंच गए अजंता केव्स एंड अब ये है फर्स्ट केव. एंड अजंता में टोटल 30 केव्स हैं एंड बेसिकली अजंता में सारी की सारी केव्स जो है वो बुद्धिस्ट केव्स हैं. एंड यहाँ पे एलोरा से थोड़ा सा कम चलना पड़ता है. सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी केव्स साथ में जुड़ी हुई हैं. ये केव्स जो है वो 700 साल पुरानी है एलोरा केव से भी एंड ये 2nd century BCE की है. आप देख सकते हैं उस टाइम पे भी हैंड क्राफ्टिंग कितने सुंदर तरीके से की गई है. एंड यहाँ पे बुद्धा के मल्टीपल टेंपल्स हैं. सो जैसा कि आपको पता है टेंपल के बाहर शूज़ तो उतारने ही पड़ते हैं. एंड यहाँ पे बहुत सारे टेंपल्स हैं सो बार बार कौन उतारेगा शूज़. इससे अच्छा है मैंने तो हाथ में ही पकड़ लिए हैं शूज़ एंड अब मैं नंगे पाँव ही जा रही हूँ. सो गाइज, आपको सामने दिख रहा होगा एक टॉप पॉइंट और ये है एक ट्रैक. एंड यहाँ से एलोरा की केव जो है बहुत ही सुंदर लगती हैं. सो गाइज, दिस इज़ अ रिकमेंडेड ट्रैक एंड पहले मैं सारी केव्स कवर करूँगी फिर मैं इस ट्रैक पे जाऊँगी. अब हमने सारी केव्स कवर कर ली हैं एंड अराउंड 3 आवर्स लगे हमें इन सारी केव्स को कवर करने के लिए. और अभी बज रहे हैं 4:30 एंड 5 बजे तक अजंता बंद हो जाता है. एंड जो लास्ट बस है शटल सर्विस वाली वो 6 बजे निकलती है. सो अब हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा है जिसमें हमें ये ट्रैक कवर करना है. और अब आ गया है ये बहुत ही सुंदर सा ब्रिज जिसको क्रॉस करके हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा. ये ट्रैक जो ऑलमोस्ट 25 मिनट्स का है एंड थोड़ा सा स्टीप है ये ट्रैक. एंड अब हम टॉप ऑफ द ट्रैक पहुंच गए हैं एंड अब आप भी मज़ा लीजिए इस व्यू का क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू है.
पॉइंट से सारी अजंता केव्स एक साथ देखी जा सकती हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। सो अब इतना ट्रैवल करने के बाद मुझे तो लग गई थी बहुत ज़ोरों से भूख, एंड गैस व्हाट, मुझे क्या मिला वहाँ पे, आलू के पकौड़े एंड चाय। सो यम्मी, मज़ा आ गया वहाँ पे इस सुहाने मौसम में उनको खाने का। और इसी ट्रैक के बीच में हमें मिला ये अमेजिंग सा फॉल। तो गाइज, ये था हमारा अजंता का सारा ट्रिप, एंड बहुत ज़्यादा थक गए हैं अब, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रैक भी था, सो हमने वो ट्रैक भी कवर किया और काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं इस टाइम। शक्ल से पता ही लग रहा होगा काफ़ी सारा पसीना आ रहा है। एंड या तो ये था अजंता, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, और इसमें जो नक्काशी की हुई है पत्थर से, पत्थर में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। एंड क्या, ये था हमारा ट्रिप। सो गाइज़, ये था मेरा डे टू अजंता व्लॉग। आई होप आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।